लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भाइयों और बहनों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कि मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में इस चार वर्षों के अंदर आपके सामूहिक प्रयासों से संसद की नई कार्य संस्कृति में और संसद के कार्य संचालन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। संसद सदस्यों के सहयोग से आपके द्वारा उनके कार्यों के अंदर निरंतर सहयोग करने के कारण संसद की कार्य उत्पादकता बढ़ी। लंबी डिबेट हुई, चर्चा हुई, चार वर्षों के अंदर सबसे अधिक विधेयक पारित हुए और सभी माननीय संसद सदस्यों का सक्रिय योगदान रहा। उन सब में संसद सदस्यों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना, उनकी कार्य उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग करना और उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको कम करने के लिए प्रयास करना और उसके साथ विशेष रूप से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हमने संसद को डिजिटल करने का काम तो किया सही, लेकिन साथ साथ उनकी कार्य उत्पादकता टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण उनको त्वरित सेवाएं देना, इसके विशेष रूप से एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन हो। लेकिन मुझे खुशी है कि इतनी साल की सेवाओं के बाद भी इस चिंतन शिविर के अंदर जो आपने 10 ग्रुप बनाए थे, उस 10 ग्रुप के अंदर आपने व्यापक चिंतन किया, विस्तृत चिंतन किया, आपस में अपने अनुभव साझे किए और विशेष रूप से अनुभव साझा करते हुए एक बदलाव की नई दिशा तय की। एक मन में नया विचार आया, नया चिंतन आया, नई दिशा आई कि किस तरीके से हम हमारी फंक्शनिंग और वर्किंग के अंदर बहुत बड़ा बदलाव अभी भी ला सकते हैं। कई बार कई सरकारी अधिकारियों में, कर्मचारियों में ठहराव सी स्थिति हो जाती है, अपने वर्किंग सिस्टम में कोई परिवर्तन करने की कोई जिज्ञासा नहीं होती, लेकिन व्यक्ति अगर जीवन के अंदर हमेशा कुछ सीखने कुछ अनुभवों को प्राप्त करने, ज्ञान को हमेशा अधूरा समझ के उसकी ज्ञान की जिज्ञासा प्राप्त करकर और ज्ञान को बढ़ाना, अपने जीवन के अनुभवों प्रैक्टिसों को और बेहतर करना, इसके लिए अगर सामूहिक बैठकर चिंतन करने के बाद भी सोचता है कि मैं और बदलाव करना है, ये संसद सचिवालय के लिए एक नई दिशा है।
और मुझे आशा है कि इस 4 वर्षों के अंदर जो मैंने अनुभव किया, मैंने कई बार अलग अलग विभाग वाइज भी लंबा रिव्यू किया, चर्चा की, उसमें से जो निकल कर आ सकता था वो उस पर भी चर्चा की, लेकिन जो चिंतन शिविर के बाद मैंने जो प्रेजेंटेशन आपके अलग अलग ग्रुप का देखा और उसमें आपके बहुत अच्छे सुझाव आए, बदलाव की नई सोच आई, नया चिंतन आया और इस बात का कमिटमेंट आया कि ये बदलाव हमें करना है और इस बदलाव को करना ही हमारा लक्ष्य है, जिससे कि हमारी वर्क की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जीवंत लोकतंत्र हमारा है, अगर लोकतंत्र को सार्थक बनाना है, प्रभावी बनाना है, जनता के प्रति जवाबदेह इन संस्थाओं को बनाना है, तो इस संस्था में काम करने वाले कर्मचारी भी इसी सोच और चिंतन की दिशा के अंदर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों से हमारी दिशा अलग है। हम लोकतंत्र की सोच संस्था के कर्मचारी हैं, हमारी कार्यप्रणाली, हमारी टेक्नोलॉजी से लेकर जीवन के हर विषय के अंदर उन सब सरकारी कर्मचारियों से विशिष्ट होना चाहिए, एक अलग अपनी कार्यशैली संस्कृति नजर आना चाहिए और मुझसे सर्वश्रेष्ठ कुछ कोई नहीं, इस लक्ष्य के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से कई सालों से लोक सेवा सचिवालय इसी कार्य संस्कृति की ओर काम कर रहा है, लेकिन बदलाव तो जीवन का हिस्सा है। अगर नदी में पानी ठहर जाएगा तो गंदा हो जाएगा, अगर बहता रहेगा तो साफ सुथरा रहेगा। निर्मल नदी बनानी है, स्वच्छ नदी बनानी है, जीवन को स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है, हमेशा कार्य स्तर पर नई संस्कृति लानी है, तो निश्चित रूप से बदलाव लाना हमारा नैतिक धर्म है और मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने इस चिंतन शिविर में अलग अलग ग्रुप में बहुत विषयों पर चिंतन किया, अपने अपने जो कार्यों के अनुभवों को साझा किया और उसके साथ साथ अपने नए लक्ष्यों को भी तय किया और उसमें निसंकोच होकर आपने अपनी कमियों को भी ग्रुप में चर्चा की कि हमें हमारी कार्य संस्कृति में क्या बदलाव लाना है, किस तरीके से हमारे कार्यक्रम को बेहतर बनाना है ताकि हम खुद का व्यक्तित्व विकास भी हो और संस्था का भी में भी नया परिवर्तन हो। और इसलिए आपने अपना आत्मनिरीक्षण किया, अपने कार्यक्रम में सुधार के लिए चिंता व्यक्त की और एक प्रभावी और सार्थक कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया तय की और इस चिंतन शिविर के अंदर जो विषय भी आए हैं उन विषय पर मैं अब 1 महीने बाद आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सुझाव हैं, कुछ सुझाव मेरे भी हैं, कुछ अनुभव मेरे भी हैं, लेकिन मेरे सुझाव ही अंतिम नहीं है। लोकसभा की
सभापति सीट पर मेरा निर्णय अंतिम हो सकता है, लेकिन चिंतन शिविर में मेरा निर्णय अंतिम नहीं है। मैं आपका अनुभव, आपके विचार, आपका इस लोक सचिवालय में काम करते हुए जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ अनुभव प्राप्त किया, वह आपका बहुत ज्यादा है। और मेरा मानना है कि मैं जब संसद सदस्य बनकर आया था तो मैंने यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के व्यवहार को देखा, डिसिप्लिन को देखा, किस तरीके से एक नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां समय समय पर उसको मार्गदर्शन भी दिया और उसको सहयोग भी किया। एक बेस्ट प्रैक्टिसेज इस पार्लियामेंट की रही है जो एज ए नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने खुद ने अनुभव किए। मैं विधानसभा में भी रहा हूं, विधानसभा के कार्यक्रम को भी मैंने देखा है, लोकसभा के कार्यक्रम को भी देखा है, और जो कुछ भी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मैंने अनुभव किया था उसको परिवर्तन करने का प्रयास किया। कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन परिवर्तन तो लगातार सृष्टि का नियम है, और इसीलिए हम लोकतांत्रिक संस्था के अंदर बैठे हैं, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचारों का मंथन, नए चिंतन का मंथन, और उससे जो मंथन निकलता उसका अमृत से कल्याण, ये तो हमारी संस्था की विशेषता है। तो हम संस्था में विशेषता और हमारे संस्था के सचिवालय की विशेषता नहीं हो कि हमेशा हमारा भी नया चिंतन चलता रहे, चर्चा संवाद चलते रहे, अनुभव चलते रहे, बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाते रहे। और देश और दुनिया के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिस से अनुभव प्राप्त करना और दुनिया में भारत का संसद और उसकी सचिवालय एक प्रैक्टिस है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना। हमारी प्राइड संस्था, हमारी प्रशिक्षण संस्था दुनिया की बेस्ट है, हमारा प्रोटोकॉल डिवीजन दुनिया की सभी संस्थाओं से बेस्ट है, हमारा संसद सदस्यों से संवाद चर्चा वह हमारी बेहतरीन है, और इसी तरीके से संसद की आंतरिक संरचना, जिस विषय पर आपने अलग अलग विचार रखे हैं, मेरा दृष्टिकोण इस पर बहुत सारा है, लेकिन इवेंट और प्रोटोकॉल प्रबंध एक अच्छा विचार आया, लेकिन मैं कहता हूं इवेंट प्रोटोकॉल हमारे कई अलग अलग डिवीजन में बटाए हुए हैं, उस अलग अलग डिवीजन की जगह एक प्रोटोकॉल डिवीजन एक होना चाहिए। ये सुझाव अच्छा है। कॉन्फ्रेंस मार्च का अलग है, मेंबर सर्विस का अलग है, पीपीआर का अलग है, तो एक सुझाव आया कि हमारा प्रोटोकॉल डिवीजन एक होना चाहिए, जिसका काम प्रोटोकॉल करना, इवेंट मैनेजमेंट करना। मेरी कई बार सेक्रेटरी जनरल से कहा था एक इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कौन सा होगा, राष्ट्रीय इवेंट कौन सा होगा, या राज्यों के विधानसभाओं या अन्य में इवेंट का एक अलग प्रोटोकॉल हो जाए। तो हम सोच सकते हैं कि ये विचार ठीक है कि पूरे सिस्टम को एक साथ, कई बार हमारे सरकारी सिस्टम की तरह नहीं होना चाहिए कि एक सचिवालय में बैठने के बाद भी एक काम के निस्तारण के लिए फाइलें महीने भर तक घूमना, इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। जिस काम को सेम डे करना, तुरंत बुलाया, चर्चा की, संवाद किया और निस्तारण करना। इसी के साथ साथ बजट और बजट प्रबंध अच्छा विचार है। हमें 5 साल के बजट के अनुमानों को पिछले अनुमानों को देखना चाहिए और नए बजट की प्लानिंग करते समय आगे भविष्य के 5 साल के बजट की प्लानिंग करनी चाहिए। उसमें से कुछ इमरजेंसी सिस्टम होता है जिसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेजर पार्ट जो परमानेंट रहता है
जैसे सेलेटरी का अलाउंसेज का वो परमानेंट पार्ट रहता है जब तक कि नया परिवर्तन ना हो। तो बजट प्रबंधन हमारा इतना बेहतरीन होना चाहिए कि बजट की कार्यकुशलता यह है कि कार्यकरण अधिक और धन की बचत। इसके लिए तो बड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है कि लगातार ब्रांचेज बैठकर उसके बजट अनुमानों को देखते हुए किस तरीके से हमारे धन का अपव्यय तो नहीं हो रहा। हम जितने धन की बचत कर पाएंगे और कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं उतना ही संदेश देश के अन्य विभागों, सरकारी कर्मचारियों और सिस्टम में दे पाएंगे। क्योंकि हम बजट पास करना संसद की जिम्मेदारी है और इसीलिए हमारा बजट प्रबंधन सबसे सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहिए। जब ही हम बजट पास करने की संस्था के रूप में स्थापित हो पाएंगे कि पहले सबसे पहले हमने हमारी संस्था का बजट प्रबंधन सबसे बेहतरीन किया। अब एक विचार आया कि तकनीकी का उपयोग करके गुणवत्तावृद्धि एक लंबा विषय है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है और टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई बदलते समय हमें भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुणवत्ता में काफी परिवर्तन आ सकता है, पारदर्शिता आ सकती है। जितना ह्यूमन मानवीय हस्तक्षेप कम होगा उतनी ही बेहतर संस्था में कार्यक्रम होगा। इस दिशा के अंदर माननीय संसद सदस्यों के लिए सिंगल विंडो सही बात होगी। मुझे सालों तक बहुत मैंने परिवर्तन करने का, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नया आता है उसको 5 साल तक पता ही नहीं चलता कि पार्लियामेंट के क्या क्या सिस्टम है। 5 साल तक उसको कभी घर में कुछ भी जीवन में काम पड़ जाए तो हेल्थ का सिस्टम क्या है, मेरी लाइट बंद हो जाए तो क्या है, मुझे संसद से क्या क्या से, इतना बड़ा अपना प्रोटोकॉल डिवीजन मेंबर्स सर्विस ब्रांच होती है, कई सालों तक उसको समझने में लग जाती है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 1 साल में हम इतनी तैयारी करें जब संसद का नया सत्र हो तो सत्र के सप्ताह भर के अंदर उसको संपूर्ण जानकारी संसद की हो और संसद के अलावा उसके संसद से जुड़े हुए कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी हो। इसकी बेहतर व्यवस्था हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। इसलिए सही कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम है, मानो किसी को चुनाव लड़ने जाना है तो सिंगल विंडो सिस्टम में उसको एनओसी मिल जाए, उसको ऑनलाइन एनओसी का हमने सिस्टम किया है। और बेहतर क्या कर सकते हैं कि उसको किसी भी विभाग के अंदर न जाना पड़े, सिंगल विंडो पे अप्लाई करे, हम सब विभागों के एनओसी लेकर उसको सेम डे देते हैं, सारे विभागों से तालमेल बनाने का काम करें। सचिवालय की ब्रांचों का क्षमता बढ़ाना, ये सामजन्य करना, हमारी ब्रांचों के सामजन्य के विषय में कई बार चर्चा हुई है, आगे भी मुझे आशा है कि हमारा कोऑर्डिनेशन हमारी ब्रांचों से लगातार होता रहे और उसके लिए लगातार सेक्रेटरी जनरल लगातार मीटिंग करते रहते हैं सब विभागों की, सब ब्रांचों की, और उसमें जो चिंतन शिविर में जो विषय आए हैं उन विषयों के अलावा और विषय भी आएंगे। 1 महीने में सेक्रेटरी जनरल सब पर जो जो आपने सुझाव रखे उस पर क्या क्या एग्जीक्यूशन हो सकता है, कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन हो सकता है, क्या क्या नया परिवर्तन हो सकता है, इस पर भी काम करेंगे। इसके साथ साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग और कई सारे मंत्रालयों से समन्वय, मैंने सेक्रेटरी जनरल से कहा है कि वह जितने मंत्रालयों से कोऑर्डिनेशन ठीक करे, और संसद के अंदर का सूचनाएं नहीं आए तो चिंता का विषय है, सूचना आना त्वरित गति से आना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को त्वरित सूचना उपलब्ध कराना, ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम बेहतर करें। नवाचार और प्रचलित पद्धतियों के विषय में भी विचार आया, नैतिकता और कार्य आचरण, बहुत अच्छे सुझाव आपने, बहुत अच्छा चिंतन शिविर किया है
और मुझे आशा है कि हम एक टीम वर्क के रूप में काम करके हमारी कार्यकुशलता को भी बढ़ाएंगे, हमारे सिस्टम को और बेहतरीन करेंगे। जिन विषयों पर हमारी चर्चा, संवाद, अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में विचार आए, और विचारों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, एक्सपर्ट लोगों से बात करेंगे। और मुझे आशा है कि एक महीने में क्या एग्जीक्यूशन हो सकता है, टाइमलाइन होगा, और कौन से समय के अंदर हम क्या परिवर्तन कितने दिन में होना चाहिए, समयबद्ध तरीके से काम करना, निश्चित समय के अंदर परिणाम लाना, यह हमारी इस सचिवालय की विशेषता होनी चाहिए। और त्वरित निर्णय करना, कई निर्णयों को एक दिन भी देरी हुई, एक घंटे भी देरी हुई तो उसका विश्लेषण करना कि आखिर इस निर्णय में इतनी देरी क्यों हुई। जब अलग अलग ब्रांच के सभी लोग बैठकर आपस में चर्चा करेंगे कि हमें एक ही, हमारा तो एक ही कैंपस है, हमारे को किसी से अन्य स्टेटों से, राज्य सरकारों या कहीं से तालमेल बिठाने की आवश्यकता नहीं, तो हमें तो हमारे सिस्टम में ही इसी एक कैंपस में सब कुछ परिवर्तन करना है, इसलिए हम कोई दूर दूर जाना नहीं, किसी से सूचनाएं मांगनी नहीं, किसी नई योजनाओं का एग्जीक्यूशन नहीं करना, हमें तो हमारे कार्यकरण में ही शिष्टता लानी है और बेस्ट प्रैक्टिसेज लानी है। और जिसके लिए संसद है, सचिवालय है, माननीय सांसद महोदय को हम किस तरीके से सचिवालय के माध्यम से उसकी कार्य उत्पादकता में, उसके कार्यक्रम में, उसके साथ जनता के संवाद में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यह हमारा काम है। बेसिक रूप से हमारा उत्तरदायित्व माननीय सांसदों के प्रति है ताकि वह जनता के ठीक से सेवाएं कर सके और जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनके आधार पर कार्यपालिका की जवाबदेहते कर सके, उसमें पारदर्शिता ला सके, जनता के चुने हुए जनप्रति के रूप में वो जनता से सार्थक रूप से संवाद कर सके, और उसने जो कुछ भी संसद के अंदर अपनी बातों को कहा है, चर्चाओं को कहा है, उसको जनता तक पहुंचाना और हमारा सहयोग करना, सही काम उन कार्यों में जो उन्होंने उठाए मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए सहयोग करना हमारा सचिवालय का काम है। और ये सही कहा आपने कि कमेटी सिस्टम के अंदर भी जो जो परिवर्तन हुए उसके भी बहुत अच्छे सुझाव हैं कि संसदीय समितियां जाती है, स्कूल कॉलेज जनता तक संसद के पहुंच, अतः हमारे कार्यक्रम का हर विषय जनता तक जाना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि कई बार आम जनता को संसद की गतिविधियों की जानकारी नहीं है, हमारी पहुंच जनता तक कैसे पहुंचे, हमने क्या क्या परिवर्तन संसद में किए, इस चार साल के अंदर जो जो परिवर्तन किए लगातार माननीय संसद सदस्यों को पता हो, और देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको पता हो, और आम जनता को हमारे परिवर्तन की जानकारी हमारे सचिवालय के इतने अधिकारी कर्मचारी लगातार करते रहे। हमने जो कुछ भी बेहतर काम किया है, बेहतर कार्यक्रम किया है, उसकी जानकारी अगर संसद सदस्य को भी नहीं है, हमने जो डिजिटल संसद किया या लाइब्रेरी में परिवर्तन किया या प्राइड में किया, संसदीय समितियों के अंदर हमने रिसर्च पेपर देने का काम किया, सही कहा उन्होंने बुलेटिन टू के अंदर एक विषय है, लेकिन बुलेटिन टू के अलावा एक ऐप बनना चाहिए जिस ऐप के अंदर उसको तमाम जानकारी मिलती रहे और वो अपडेट रहे, हमारी वेबसाइट अपडेट रहे, हमारा सूचना का सिस्टम त्वरित गति का हो,
हमारे यहां का अगर सिस्टम ही त्वरित गति का नहीं है तो देश के अंदर हम कैसे बदलाव ला पाएंगे। इन सब बातों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि ये चिंतन शिविर बहुत सफल रहा है, लेकिन चिंतन शिविर के परिणाम हमारी प्रैक्टिस के अंदर आए और जो हमने चिंतन किया, अनुभव किए, विचारों को साझा किए, उसके परिणाम आए, इसके लिए सेक्रेटरी जनरल एक महीने के अंदर इसको रिव्यू करेंगे। 3 महीने बाद फिर मैं आप लोगों से दोबारा चर्चा करूंगा और हमारा सबका लक्ष्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है तो और बेस्ट प्रैक्टिसेज के रूप में हमारा सचिवालय दुनिया का सबसे बढ़िया सचिवालय, यही हमारा लक्ष्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।